आई लव यू किरण, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बहुत मराहल तय किए हैं। शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? I'm telling you for the last time, मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। Why do you have to be so rude to me? मैं तुमसे जितना भी तारुफ हासिल कर लूं, तुम्हें जितना भी जान लूं, इन द एंड मेरा तुमसे एक ही सवाल होगा, किरण, Will you marry me, किरण? अरे भाई देखो कौन आया है। वालेकुम सलाम जी। तेरे अरे पहचानी ये अपना? हाँ बिल्कुल पहचानी, याद है मुझे। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। भाई बहुत अच्छा किया तुम आ गए, हम दोनों भी बहुत बोर हो रहे थे। बात ये साला तो अपनी सहेली यहाँ चली जाती है और किरण को पढ़ने से फुर्सत नहीं। जी और सुनाओ कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी, आप सुनाए। थैंक यू दाऊद। आपकी नजर में कोई ऐसा बच्चा है जो घर के छोटे मोटे काम कर ले? तो क्या आपको मुलाजिम की जरूरत? हाँ दरअसल सारा की हम शादी कर रहे हैं। सीधी बात है बेटा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं घर के सारे काम करूँ। लेकिन किरण तो है। किसकी बात कर रहे हो, उसे पढ़ने ख्वार होने और सोने के अलावा और कोई काम नहीं। किसी के लिए एक प्याली चाय बना ले, गनीमत जानो। ये तो मैं दाऊद को देख के मुलाजिम का ख्याल कैसे आ गया? कभी तुम क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में काम करते? अरे भाई मसला सर पे आ गया है इसलिए पूछ लिया। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। मिस्टर जोसेफ, आप इतने दिनों से कहाँ गायब हो गए थे? मैं रोजमेरी की कब्र पर गया था। रोजमेरी, वो जो आपकी बीवी है? यू नो, मैरी ने मुझसे पूछा, कहा कि जोसेफ मोहब्बत जहां से मिले, जहां से भी मिले, उसकी कदर करो। मोहब्बत गिफ्ट है खुदावंद का। तुम जानती हो मोहब्बत क्या है? नहीं ना, तुम्हें मोहब्बत है ही नहीं, और जिसे मोहब्बत ना हो उसे कैसे पता होगा कि मोहब्बत क्या है? Start those who fall in love. Bless that day. लो मियां, लो बेटा। शुक्रिया। लीजिए। अरे बेटा आज तुम कुछ जल्दी नहीं आ गई? बात
दादा कुछ नोट्स रह गए थे वो लेने आई थी। आओ कुछ खा लो तुम भी। नहीं दादी मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जल्दी। नहीं दाऊद भी तो इधर ही है, इसे भी तो सेंटर जाना होगा। बेटा तुम जाओगे ना? जी जाना तो है। तो तुम इनके साथ चली आना। जी ठीक है। वैसे तुमसे बातें करके दिल खुश हो जाता है। तुम आ जाते हो तो हमें थोड़ी देर को हंसने को मिल जाता है। लो ना मिया ये जी। ये ले आप प्लेट ले। अच्छा आपको चाय पीने से मना किया, पकोड़े खाने से नहीं। ले किरण क्या हो गया था? तुम्हारा मूड इतना खराब था, सारे रास्ते तुमने बात तक नहीं की। ये क्या हरकत की थी तुमने? कौन सी? तुम्हारे घर जाने वाली? पता नहीं। देखो मैं जब पहली दफा दादा दादी से मिला था मैं तभी चाहता था कि उनसे दोबारा मिलूं। एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ तो रहना पसंद नहीं लेकिन दूसरे लोग बहुत पसंद है, बल्कि उनसे मोहब्बत भी हो जाती है। ठीक कह रही हो तुम, मुझे खुद को बेहतर करने की बहुत जरूरत है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने रिश्तों को बेहतर कर सकूँ और सिर्फ तुमसे इंस्पायर होगा। लेकिन तुम ठीक कह रही हो, खुद को फेल करने में सबसे ज्यादा मेरा अपना ही हाथ है। सॉरी किरण, मुझे बगैर किसी रीजन के तुम्हारे पीछे जाना पड़ा था। आई एम रियली सॉरी मैं तुम्हारे पीछे गया। तुम जैसे ऐसे साथ तो फरिश्तों में होते। किरण मेरे लिए इतना ही काफी है कि जहां तुम होती हो मैं वहां वक्त गुजारता हूं। मैं तुमसे जितना भी तारुफ हासिल कर लूं, तुम्हें जितना भी जान लो, इन द एंड मेरा तुमसे एक ही सवाल होगा किरण, विल यू मैरी मी? किरण जिंदगी के हर मामले में हमेशा मैं किस्मत से हारा हूं, तो इस मामले में कैसे जीत सकता हूं? जानती हो मोहब्बत क्या है? नहीं ना, जिसने कभी मोहब्बत ही ना की हो उसे कैसे पता चल सकता है? मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने रिश्तों को बेहतर कर सकूं और सिर्फ तुमसे इंस्पायर होगा। लेकिन तुम ठीक कह रही हो, खुद को फेल करने की असल वजह मैं खुद ही हूं। वैसे तुमसे बातें करके दिल खुश हो जाता है। तुम आ जाते हो तो हमें थोड़ी देर को हंसने को मिल जाता है। दाऊद क्या बात है बेटा, तुमने नाश्ता किया ना ही डिनर? तबीयत ठीक नहीं हो रही। क्या हुआ? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है बेटा, तुमने कोई मेडिसिन ली? नहीं। मैं फहद को बुला दूं? नहीं नहीं बेटा, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा।
हाँ बस यहीं बैठे रहे प्लीज। बहुत बुरा आदमी हो ना मैं। बहुत हर्ट किया ना मैंने आपको। पता नहीं मैं अपनी बदतमीजियों का खसारा कैसे अदा करूंगा। परेशान लग रही है। रात दाऊद की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत तेज बुखार था उसे। ओ, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो फाहद को बुलाने जा रही थी लेकिन दाऊद ने मुझे मना कर दिया। फिर अब कैसी तबीयत है उनकी? पता नहीं, मैं तो तुम्हारे अब्बू को नाश्ता दे रही थी, पता चला कि वो ऑफिस चला गया। दाऊद भाई भी ना, एक दिन ऑफिस नहीं जाते तो क्या चला जाता? वैसे रोशी, तुम्हें नहीं लगता कि दाऊद के मिजाज में तब्दीली आ रही है? लगता तो है। अब आप देखें ना, हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आए, वो अबू की तकलीफ पर परेशान हुए, और तो और सानिया भाभी को हॉस्पिटल ले गए। लेकिन ऐसा अम्मी कभी कभार ही होता है, वरना हर वक्त तो वो एटीट्यूड में ही रहते हैं। चलो कभी कभार सही होता तो है ना। ठीक, ये तो है। कितना अच्छा हो अगर दाऊद हमेशा ऐसा ही रहे। विशुअल थिंकिंग अम्मी, आपने देखा नहीं था उस दिन कैसे उन्होंने तलत आंटी को साफ मना कर दिया था? अगर दाऊद के मिजाज में खुशगवार तब्दीली आ जाए ना, तो मेरी तो जिंदगी बदल जाए। अम्मा, ये सारा मुझे इतनी कमजोर क्यों लग रही है? कोई कमजोर वमजोर नहीं है, अच्छी भली है। मुझे तो कमजोर लग रही है। तुम्हारी नजर कमजोर हो गई होगी, चेक कराओ। अगर नजर कमजोर होती ना तो आप भी मुझे कमजोर लगती, पर आप तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। फिर तुम जानो तुम्हें सारा क्यों कमजोर लग रही है। वो मुझे किरण बता रही थी कि आपने कोई ज्वेलरी वगैरह खरीदी। ये किरण तुम्हें कहाँ मिल गई? मिली कहाँ, फोन पे बता रही थी। तो इस लड़की के पेट में कोई बात नहीं ठहरती। क्या कह रही है? हाँ खरीदी है ज्वेलरी। फिर क्या, अच्छी बात है। अच्छा भाई, जो कुछ कर रहे हैं ना अपनी बच्ची के लिए कर रहे हैं, ये कोई ना समझे कि किसी के मुतालबे पे सर झुका रहे। कैसी बातें कर रही है अम्मा, मुतालबे तो गैर करते हैं, सारा तो मेरी अपनी बच्ची है। हमें तो अपनी बच्ची के लिए जो कुछ करना था वो हमने कर लिया। मसला तो उन मुतालबात का था जहेज के लिए हमसे किया गया था। अच्छा छोड़ें अम्मा, आप मेरे साथ शॉपिंग पे चले ना। उमर के आती मुझे शादी की तारीख पक्की करनी है। फिर मेरे पास टाइम नहीं है बाजार जाने का। आपको चलना पड़ेगा। तुम्हारी डैडी कह रहे थे कि तुमने जो चाइना सिल्क मंगवाया था ना वो कल तक आ जाएगा। बेबी, यू लुक सो अपसेट। कम ऑन, तुम मुझे बता सकती हो? मम्मी, आप मेरी हर चीज में इतना इंटरेस्ट लेती हैं। सिमी ये देखो, सिमी ये पहनो, सिमी यहाँ जाओ। लेकिन मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की और आपको तो याद भी नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बिल्कुल नहीं भूली, बस तुम फिक्र मत करो। अपने डैडी से बात की?
कर लूंगी। वो कहीं भागा तो नहीं जा रहा? उसके डैडी के कंसर्न्स, तुम्हारे डैडी का इन्फ्लुएंस उसके डैडी पर, ये सब ऐसे जाल हैं जिनमें फंसकर वो खुद ब खुद तुम्हारे पास चलकर आ जाएगा। मम्मी आप उसको नहीं जानती, वो अपने डैडी के भी कंट्रोल में नहीं है। उसका डैडी भी चल कर आएगा, बल्कि सर के बल चल कर आएगा, तुम देखती जाओ। बेबी लव यू मम्मी, लव यू टू। फहद की जॉब कैसी जा रही है? एवन, हाँ उसका एटीट्यूड काफी प्रोफेशनल है, लाइक फादर लाइक सन। और दाऊद के बारे में क्या ख्याल है? दाऊद, दाऊद के बारे में कोई फाइनल राय नहीं दी जा सकती है, ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मगर जहां वो जॉब कर रहा है उसके बॉस से मेरी मुलाकात होती रहती है, जॉब के मामले में अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। मेरा मतलब है कि उसका बॉस खासा सेटिस्फाइड है उससे। चलो ये तो अच्छी खबर है। वैसे दाऊद की शादी के बारे में क्या सोचा है तू? नहीं फिलहाल तो नहीं, रोशी के फाइनल्स के बाद मैंने सोचा पहले उसकी शादी कर लूं। और वैसे भी दाऊद अभी पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। जिम्मेदारी जब सर पर पड़ेगी तो उसको एहसास हो जाएगा। नहीं लेकिन उसे पहले अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, वैसे वो कोशिश कर रहा है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उसे। भाई तुम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हो। हम तो तुम्हारा इंतजार उस दिन से कर रहे हैं जिस दिन तुम पहली बार होकर गए थे, बहुत याद कर रहे थे। उस दिन तुमने हमें बहुत हंसाया। हम बाद में भी तुम्हारी बातें करते हैं। भाई आप लोग भी कहेंगे कि रोजाना ही आ जाता हूँ, खामखा फ्री हो रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, ये कभी मैं सोचता हूँ, ये तुम्हारा घर है, जब चाहो बेतकल्लुफी से आ जाए। आते जाते रहा करें, दादा दादी आपसे मिलके बहुत खुश होते हैं। वैसे ये गाजर का हलवा बहुत मजे का था, काफी अरसे बाद खाया। क्यों, तुम्हारी अम्मी गाजर का हलवा नहीं बनाती क्या? अम्मी अब कुकिंग नहीं करती, कुकी बनाता शायद। शायद, अरे लड़के तुम्हें ये नहीं पता कि घर में खाना कौन बनाता? यकीनन कुकी बनाता। अच्छा आज तुम खाना हमारे यहाँ खा लीजिए। नहीं नहीं रहने दें प्लीज, फिर कभी सही। फिर कभी क्यों, खाना तो बनाना ही है ना, आज क्यों नहीं। चलिए आप दोनों बैठ के गपशप लगाएं, एक घंटे में खाना बन जाएगा। अब तो थैंक यू भाला, खा मखा तो कर लो। भाई परेशान मत हो, अभी ने मालूम हो गया है कि तुम्हारा खाना कुक पकाता है, तो जब तक ये तुम्हें अपने हाथ का खाना नहीं खिला देंगी चैन से नहीं बैठी। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ चेस खेलना आता है? खेल तो लेता हूँ। अभी चेक कर लेते हैं कि कौन अच्छा चेस खेलता है। आओ चले। दाऊद कितना अच्छा लड़का है, इतनी मजे की बातें करता है। क्या मतलब, तुम्हें कैसे पता चला? वो आज आया था ना घर पे, काफी देर बैठा रहा। वो आज फिर आया था यहाँ, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। अब तो बता रही हूँ ना तुम्हें, वो क्लास में मिला था आज, उसने तो कुछ जिक्र नहीं किया। खैर ये तो मुझे नहीं पता, मगर दादी को तो वो काफी पसंद आया, उसे जबरदस्ती खाना खिलाकर भेजा। और तुम्हें तो मालूम है ऐसे भी दादी को हर कोई अच्छा नहीं लगता। और पता है क्या, दादा भी उसके सुपर फैन हो गए, इतनी अच्छी चेस खेलता है वो, ही इज एन अमेजिंग बॉय। दाऊद तुम यहाँ? तुमने मुझे देख लिया था,
नहीं यकीन जानो मैंने तुम्हें नहीं देखा था। तुम कल मेरे घर आए और तुमने जिक्र तक नहीं किया। हाँ मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें क्या दिलचस्पी होगी। तुम मेरे घर आओ और इस बात का मुझे ना पता, ये अच्छी बात तो नहीं। मैं वहाँ दादा दादी से मिलने गया था, उनसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है। मैं तुमसे मिलने नहीं गया था। क्या कहा तुमने, तुम मेरे घर मुझसे मिलने नहीं आए थे? असल में मुझे अंदाजा था कि तुम किस वक्त घर पे नहीं होगी, इसलिए मैं उसी वक्त गया। वैसे भी तुम्हारी राय मेरे बारे में ज्यादा अच्छी तो है नहीं, तो इसलिए मैंने तुम्हें बॉदर नहीं किया। अच्छा तो ठीक है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्पॉइल्ड ब्रैट, रिलेशंस का पास ना रखने वाला बेहिस इंसान, उससे मिलने ना मिलने से क्या फर्क पड़ता। और मैं इतनी हैरान हो गई कि तुम पर ये जादू कैसे चल गया। जादू तो सिर्फ एक है जो तुमने मुझ पे कर दिया। मुझ जैसे सेल्फ सेंटर्ड और स्टबर्न आदमी को चेंज कर डाला। शब आरज़ू का आलम। सारी आइसक्रीम्स बाहर की हैं, स्विस आइसक्रीम, स्विस। मुझे स्विस से याद है, मैंने एक प्लान किया है। शादी के दूसरे दिन हम दोनों फ्लाइट पकड़ेंगे और गेस वेयर? वेयर? सिंगापुर। सिंगापुर, वाओ। सिंगापुर में एक जगह है, एक बहुत बड़ा क्रीक है जहाँ पे 10 शैले, एक शैले हम लोग हाइक करेंगे और 10 दिन के लिए सिर्फ तुम और मैं। हम ऐसा करेंगे कि हम किरण को भी ले जाएंगे साथ। नहीं, अम्मी से भी पूछता हूँ, शायद वो भी चलने के लिए तैयार हो जाएंगी। गुड आइडिया। और उमर को भी ले चलेंगे। सबको ले जाओ, पूरा खानदान ले जाओ, वहीं रह जाएंगे हम लोग हमेशा के लिए। बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे तो ऐसा लगता है हम लोगों को ना दादा दादी को भी लेके जाना चाहिए साथ में। वाओ, कितना मजा आएगा हम सब वहाँ पर। यार फॉर गॉड सेक यार, तुम कुछ और बात किया करो यार। तुम किरण और उमर और नाना नानी के अलावा कोई और बात नहीं कर सकती हो क्या? मैं इतनी रोमांटिक बात कर रहा हूँ यहाँ हनीमून के बारे में, तुम्हें नाना नानी याद आ रहे हैं यार। पता नहीं कुलकान, मुझे कभी समझ नहीं आता कि मैं दादा दादी, किरण, उमर इन सब के बगैर कैसे रहूंगी। मतलब मैंने कभी इन लोगों के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं है। अच्छा चलो चल के कहीं बाहर खाते हैं। कहाँ जाए? गोलगप्पे, किरण की फेवरेट। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। शीरी बता रही थी कि तुम्हें बुखार था। जी। अब क्या हाल है? ठीक। जॉब कैसे चल रही है तुम्हारी? वो भी ठीक है। अम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा। काफी चेंज आया दाऊद में। हाँ लगता है इसने रियलाइज कर लिया है कि इसका रवैया मेरे साथ कितना गलत था। किसी वक्त इससे बात करो, इससे कहो कि जॉब शॉप छोड़े और मेरे साथ आ जाए बिजनेस में। मगर वो तो सेट है अपनी जॉब में। मैं कह रहा हूं इसलिए उसे चाहिए कि मेरी बात को ऑनर करे। ठीक है सलमान, जैसे उसमें चेंज आ रहा है, हो सकता है वो खुद ही आपकी ख्वाहिश को समझने लगे। अगर मैं उसके साथ ये हार्श रवैया न रखता तो आज रुल रहा होता सड़कों पे।
आज तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि क्लास अटेंड करने को मूड ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो फिर क्या दिल चाह रहा है? चाट खाते हैं और फिर कॉफी पीते हैं। अच्छा, तो जाओ चाट भी खाओ और कॉफी भी पियो। अकेली चली जाऊं? हाँ, तो क्या हर्ज है? पता नहीं वहां पर कैसे कैसे लोग होंगे। किरण, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, तुम्हें तो आदत है ना इस तरह की जगहों पे जाने की। तो तुम नहीं लेके जाओगे? ले जा तो सकता हूँ, लेकिन मैं इस काबिल कहाँ कि तुम मेरे साथ कहीं जाओ। चलो उठो, खड़े हो। दावे तो मोहब्बत के करते हो और एक कप कॉफी का नहीं पिला सकते। चलो उठो। नहीं उठो। उठो, चलो चलो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इतने दिनों से इग्नोर क्यों कर रहे हो? इग्नोर नहीं कर रहा था। मैं तुम्हें बॉदर होने से बचा रहा था। मुझे सब पता है कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे थे। मैं तुम्हारी मोहब्बत पर तब तक यकीन नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। किरण, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत के दावे के सब पोल खुल जाएंगे। मुझे बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? एक शर्त पे बताऊंगी। हाँ। कि तुम मुझे चॉकलेट खिला। चॉकलेट? नो प्रॉब्लम, चॉकलेट मेरे साथ होती। ये लो। अब बताओ। अरे चॉकलेट तो खाने दो, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो? किरण, तुमने अब चॉकलेट खा ली, प्लीज अब तो बता दो। बता रही हूँ। मुझे टेंशन हो रही है। अच्छा, मुझे फूल बहुत पसंद है, तुम मेरे लिए फूल लेके आओगे? मैं फूलों की दुकान वाले से रिटन एग्रीमेंट करूँगा। मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, एक से काम नहीं चलेगा। चॉकलेट्स का कंटेनर हाजिर। मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है, महंगे तरीन और ढेर सारे परफ्यूम्स आपके लिए। चॉकलेट के कंटेनर्स, परफ्यूम्स और आइसक्रीम का ट्रक, ढेर सारी किताबें, किताबों की दुकान, और बोलो। और मुझे मुझे हाथी बहुत पसंद है। किरण, हाथी? हाँ। लेकिन तुम हाथी रखोगी कहाँ? वो मेरा है। देख, ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसमें मुझे हाथी नहीं लेके दे सकते। ओके, मैम मुझे आप माफ कर दीजिए, मैंने आपको हर्ट किया। मैं आपके लिए हाथी लेने अफ्रीका तक चला जाऊंगा, ठीक है? रियली? हाथी? ये कौन सी मोहब्बत है? मुझे देखो, मैं ये समझ रहा था कि शहजादी हुसन आरा की तरह तुम्हारी ख्वाहिशात न जाने मुझे कहां कहां ख्वार करवाएंगी, लेकिन ये तो बड़ी अजीबोगरीब ख्वाहिश थी। एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। कौन सी बात? नहर किनारे उगी झाड़ियों में जो जुगनू चमकते हैं, उन्हें देखने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हो सकी और कोई भी रात को मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं। और वो जो उमर है ना, वो मेरी इस ख्वाहिश का बहुत मजाक उड़ाता है। चलो, मैं तुम्हें किसी दिन लेके चलूंगा, फिर वहां सुकून से बैठना और जितनी देर मर्जी जुगनू देखती रहना। दादी को बताकर जाएंगे। हाँ जरूर, बिल्कुल। वैसे किरण, ये सब कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड हुआ, मैं तो समझ रहा था तुम्हारे मामले में भी मैं अकेला ही रह जाऊंगा। घर चलोगे?
नहीं आज नहीं, मैं फिर आऊंगा। ठीक है ठीक है। ये लो। जिसने कभी मोहब्बत ही ना की हो उसे कैसे पता चल सकता है। Bless the heart, those who fall in love. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी के लिए इतनी अहम हो जाऊंगी। दाऊद की सबसे बड़ी खूबी उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्योर होना है। सुना है उखड़े लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं। उसने मुझे अपनी तमाम खामियां बताने के बाद अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इससे ज्यादा ऑनेस्टी और क्या होगी। वो मुझे हंसता देखकर खुश होता रहा और मुझे लगा कि उसका और मेरा मिजाज एक फ्रीक्वेंसी पर सेट हो गया। और अब तो वो मेरा बच्चों की तरह ख्याल रखता है। और अब मुझे उसके साथ मौजूद रहते हुए एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। मैं बहुत खुश हूँ, इतना कि मैं बता नहीं सकती। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने कन्फ्यूजन्स की वजह से दाऊद का दिल तोड़ने से बच गई। अब मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस तरह की खुशियाँ चाहती हूँ। इसी तरह मुस्कुरा के हेलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, इतनी सुबह सुबह खैरियत? बस कुछ नहीं, तुम्हारी आवाज़ सुनने का दिल चाह रहा था, सोचा दिन अच्छा गुजरेगा। तुम बातें खूब बनाना जानते हो। अलावा सुनो। हाँ कहो। आज हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे। वो क्यों भाई? बस ऐसे ही, कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं, इशू तो नहीं है, लेकिन तो बस फिर लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम्हें आना है और मैं तुम्हारा वेट करूंगा, ठीक है? लेकिन दाऊद आना कहाँ है?
ये सब क्या है? कुछ भी नहीं। बताओ ना, ये सब कुछ क्या है? सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मगर ये बहुत ज्यादा हो गया दाऊद। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ जिंदगी में, उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। बिल्कुल ऐसा है। और अगर मोहब्बत में जुनून और दीवानगी ना हो तो उसे मोहब्बत कहलाने का कोई हक नहीं। तुम पागल हो। हाँ, तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है? दाऊद, क्या ये एक इमोशनल फैसला नहीं है? और क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? इस बात पर मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा यकीन है। मगर मोहब्बत क्या है तुम कैसे जानते हो? मुझसे ज्यादा अच्छी तरह तो तुम जानती हो। जब एक लड़का लड़की को पसंद करता है तो उसके बाद तजस्सुस होता है। और तजस्सुस शौक को जन्म देता है। और इरादा शौक को लीड करता है। इरादे से आगे मोहब्बत है। हाँ, लेकिन मोहब्बत से आगे लस्ट नहीं है। मोहब्बत से आगे जुनून है, दीवानगी है, मर मिटने का शौक है। मोहब्बत में ये नहीं पता चलता कि जिंदगी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। सिर्फ ये एहसास होता है कि कोई है जो हमारा है, जो सिर्फ मेरा है। बताओ ना प्लीज। उस दिन मेरे पास अपनी बुक नहीं थी। अपनी बुक में गाड़ी में भूल गया था, चरेली से ली। और मैं इतनी हैरान हो गई कि तुम पर ये जादू कैसे चल गया। जादू तो सिर्फ एक है जो तुमने मुझ पे कर दिया। मुझ जैसे सेल्फ सेंटर्ड और स्टबर्न आदमी को चेंज कर डाला। जैसे अपनी बाकी चीजें लेके जाती हूँ, ये चीजें तुम्हारे लिए हैं, बस ले जाओ। कि मैं सबको ये कैसे बताऊंगी कि ये कब और कहाँ से आई हैं? कुछ खुद भी सोच लिया करो, हमेशा मुझे ही सोचने को कहती हो। दादी तो सवाल पूछ पूछ के मेरा हशर कर देंगी। ठीक है, चलो रहने दो, गाड़ी में रखिए। ओहो, ऐसे थोड़ी। मुझे जिंदगी में पहली दफा इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है। और ये सब चीजें जो तुमने मुझे दी हैं, ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो फिर क्या करें? आइडिया। क्या? घर में जो स्टोर रूम है ना, उसमें ये सब चीजें छुपा दूंगी। फिर वहां पे कोई भी नहीं जाता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें मैं कमरे में शिफ्ट कर दूंगी। अच्छा, चलो भाई, वाह वाह, क्या आइडिया है भाई। ऐसी तरकीबें तो कोई आपसे सीखे। बस देख लो। क्या बात है अम्मी, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बेटा, वो तुम्हारी शाइस्ता खाला का फोन आया था। कमरे में तुम्हारे अब्बू डिस्टर्ब ना हो इसलिए सुनने के लिए यहीं बैठ गए। कैसी हो? ठीक। अब आपकी बात हो ना उनसे तो मेरा सलाम कहिए। मैं पानी लेने आया था किचन से, फिर सो जाऊंगा। ओके, गुड नाइट। तुम्हारा जितना दिल चाहे जुगनू देखती रहना। तुम्हें याद था? हाँ, तुमने कहा और मैं भूल जाऊँ, ये कैसे हो सकता? We're family friends, इतना तो पता चल ही जाता है। जरूर होंगे, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बातें किसी को बताना पसंद नहीं करता। किसी को? मेरे लिए तो हो,
मुझे दाऊद से शादी करनी है किसी भी हाल में। दाऊद क्यों आया था? हाँ, उसने फिर मेरी इंसल्ट की। दिन तो ढल गया है, मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे, कि तू आए और देखे। शब-ए-आरज़ू का आलम, शब-ए-आरज़ू का आलम, Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.